ये एक नई रिपोर्टिंग है इंडियन मीडिया बुक की तरफ से, और आज हम लोग बंदीपुर पहुँचे हैं, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शरिया खान साहब का फार्म हाउस है। और ये बंदीपुर बस इस अभी रात का टाइम है, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ कि कितना नज़दीक हम पहाड़ के पास है, और पूरा इलाका यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो 2 किल हुए हैं ह्यूमन बीइंग के, वो दोनों सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी जो बंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्च ऑपरेशन में था, अभी थोड़ी देर में आने वाला है, उससे इंटरव्यू हम करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ। जो अभी तक की रिपोर्टिंग यही हम लोग को मिली है कि 3 तरह का एरिया पूरा सर्च किया गया है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। एक बार टाइगर दिखाई दिया था लेकिन कुछ समझ में आया नहीं। आज हम लोग अभी बंदीपुर में हैं, और आप लोगों ने जो देखा होगा 2 दिन पहले एक और टाइगर ने एक आदमी को मारा है। तो आज का जो सर्च ऑपरेशन हुआ है उसमें कन स्वामी जी हैं और हमारे साथ शरियार खान है। तो आज जो ऑपरेशन हुआ है उसका जो पूरे ऑपरेशन की जो कहानी है और क्या क्या हुआ, कन स्वामी से शरियार खान पूछेंगे। ये मेरे दोस्त हैं काल स्वामी, यहाँ के, आप इसको उनको टार्जन कहिए या मोगली कहिए या फैंटम कहिए, एक्सपर्ट नेचुरलिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ पे बंडीपुर में। एक्सपर्ट ट्रैकर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब भी मुसीबत होती है तो वो काल समय फर्स्ट कॉल काल समय को ही जाता है। और मुझे भी खुशनसीबी हुई है कि मैं टाइगर्स एंड बड़े बड़े सांप काल समय, एक्चुअली हम सांप पकड़े हैं बड़े बड़े काल समय के साथ। तो मैं ये जो मैनिटिंग टाइगर ऑफ बंडीपुर है, 2 दिन पहले एक आदमी को मारा, एक 15 दिन पहले एक और आदमी को मारा था, इसके कुमिंग ऑपरेशंस में काल स्वामी इन्वॉल्व हैं। मैं अब इनसे ये पूछूंगा कि ये टाइगर के एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसमें क्या यूनिक फीचर है। काल स्वामी इका टाइगर एड ने किल माड़ीरोदल्ल, ಏನಂತ ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಲ್ ಇದು? ಈ ಟೈಗರ್ಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಅಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಈಸಿ ಈಸಿ ಫುಡ್ ಹುಡುಕ ಬಂದು, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗ ಈಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳು ಹಡ್ಕೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಸುಗಳಿಲ್ಲಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮ್ಯಾನಿಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೈಗರ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇದು ನಿಜಾನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಝೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ತಂದು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಆರ್ ಎಫ್ ಓಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಓಗಳಿಗೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆ काल समय क्या कह रहे हैं कि एक 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 के बात चल रही है कि टाइगर किसी और जंगल का लाके यहाँ छोड़े बोल के, कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। फरहान साहब आप अभी सुन रहे हैं ना सांबर की आवाज, पीछे सांबर की आवाज आ रही है, देर इज ए टाइगर और ए लेपर्ड। काल समय क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मैनेटिंग टाइगर भी हो, क्योंकि वहाँ कुमिंग ऑपरेशन करने के बाद इस तरफ आए रहेगा बोल के। तो अभी ये बता रहे थे कि 3 साइड से ऑलरेडी पूरा सर्च ऑपरेशन हो गया जी। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं जी, हाँ, तो ये एरिया बाकी है दिस बस। हाँ, ये जो हम लोगों को आवाज आ रही है जी, एक हमारे मेरे दोस्त कॉल समय का ये है कि मैनिटी, वो इंटरव्यू करने से पहले वो बोले थे ना कि वहाँ बहुत गलाटा हो गया सब, अगर है तो इधर इधर रहना बोल के। आप सुन रहे हैं वो पीछे, आई थिंक ऑडियंस आल्सो कैन हियर द सांबर अलार्म कॉल। और ये कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो जहाँ पे ये लोगों ने 700 लोग जो घेरे हुए थे और करीब में बैठा हुआ था, वो एक इंसिडेंट बताइए। अदो कॉल समय हेल्प अदो अद वीडियोस बंदिद्दल्ल अदन्न नाय बंतिदे सर, अदो किल ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ 4-5 ಜನ ಸುತ್ತ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವನ್ ಹಸು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸು ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಸೊ ಇವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇವನ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಇವನ್ಗೆ, ಟೈಗರ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಚ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟಾಗಿದೆ, ಸುತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಟ ಪರ್ಚಟ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಷ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಿ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಎದ್ದು ಬಿಡಿದೆ, ರೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಓಡಿದೆ. ವೋ ಫರಾನ್ ಸಾಬ್ ವೋ ಐಸಾ ಹುವಾ ಹೈ ಕಿ ಯೆ ಗಾಯ್ ಚರಾ ರಹಾ ಥಾ ಔರ್ ಯೆ ಟೈಗರ್ ಪಹಲೆ ಭಿ ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ ಕೋ ಮಾರಾ ಥಾ. तो वो गाय को मारा या आदमी पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, अटैक ये तो कोई भी नहीं कह सकते, लेकिन अटैक फ्रंट हुआ है, फ्रंट से हुआ है.
उसके बाद वो मारने के बाद वो आदमी की चीख सुन के आजू बाजू के जो दूसरे जो गाय को चराते हैं वो लोग थोड़ा आवाज किए हैं, टाइगर उसे छोड़ के बुश में चला गया है। ये लोग क्या समझे टाइगर चला गया बोल के, तो एक 500 जो भी जितने भी आप वीडियो में देख रहे हैं वो लोग उधर इकट्ठे हो गए और समझे कि टाइगर चला गया था। एक कुत्ता सूंघते हुए उधर गया और टाइगर उधर ही था, वो एकदम उड़ गया। तो उसको वही देख रहे हैं, वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जी हाँ, तो ठीक है। तो अब शरियार भी ऐसा है कि आज का सर्च ऑपरेशन भी पता चला नहीं कि किधर है। आज सवेरे था, सवेरे था बेड़ी के ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಿಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 200 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। 200 ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಫಗ್ ಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಗ್ ಮಗ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಲೆಪರ್ಡ್ದೊಂದು ಫಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂತೆ। ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡಿಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನ್ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ। ಸೊ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಟೈಗರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದೆ ಸರ್, ನಾಯಿ ಇದೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ 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 ಬೋನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ। ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅದು। ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲೇಜ್ನವರು ಓಡೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಗಂಟ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಊಟಾಗಿದೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದು। ಮತ್ತು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಡ್ರೋನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆನೆಕಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಆಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ। ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಸತಿ ರೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೂಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋಗಂಟ ನೋಡಿ ಈಗ ರೋರಿಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಓ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ರೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ಊಟ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನು ಅಂದ್ರು, ಆಗ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ಕೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। कल सो एक बोन में एक कुत्ते को रखे हैं, कुत्ते को सेफली रखे हैं, ये कि मैंने का गंदी सुनी तो बड़ी कंट्री हो जाती है। सेफली रखे हैं तो बोन में ट्रैप करने के लिए, तो कल सो में क्या कह रहे थे टाइगर उधर आया है, आके अंदर भी घुसा है लेकिन किसी वजह से खाया कुछ नहीं किया। टाइगर कुत्ते को तो खा सकता नहीं क्योंकि वो अंदर के टाइगर वो केज के अंदर एक और केज था शायद, बाहर आ गया, उसको रोर किया है। विलेजर्स फोन करके काल स्वामी को बोले हैं, काल स्वामी आर एफ ओ को बोला है, आके देखे हैं पग मार्क्स थे ये थे लेकिन टाइगर हैज एस्केप्ड। लेकिन बाहर अंदर गया तो फिर क्लोज नहीं कर, नहीं हुआ वो, नहीं हुआ क्लोज आगे हुआ तो बलगड़े हो रहे हैं। इला सर हिंदी नोड़ी थे फ्रंट इंद अंदर से सामने से नहीं गया, पीछे से देख किया है। तो ये भी कह रहे थे काल स्वामी क्या कह रहे हैं कि बहुत चालाक है, अभी बहुत चालाक है टाइगर, वो उसको पकड़ना इतना। तो अभी का जो सिचुएशन इससे लग रहा है कि खतरा तो टला नहीं है, नहीं बिल्कुल काफी डेंजर। तो कभी भी गांव वाले सब हम लोग जहां पे बैठे हैं वहां से जो किल हुआ है वहां से 1 किलोमीटर यहां से एक या 1.5 किलोमीटर ही है दोनों किल जो, तो कोई ताज्जुब नहीं है कि मैनेटर यही हो कहीं हो। जी हाँ, ये जो एरिया अभी हम लोग घूम रहे हैं ये एरिया में अभी अभी पता चला है कि टाइगर बहुत करीब आया हुआ है। रात का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अपने साथ काफ़ी सारे लोग हैं, देखना है कि कुछ पता चलता है कि नहीं। ये फेंसिंग है, फेंसिंग है जहाँ ये लगाया गया है हाई वोल्टेज का, कि जहाँ से टाइगर या जो भी खतरनाक एनिमल अंदर नहीं आ सकते। लेकिन रात के 9 बजे ऑन होता है, लेकिन इसके सेफ्टी का रीज़न बताता हूँ, छुपे बताता हूँ नहीं। हाँ ठीक है, तो ये सेफ्टी है, मतलब ये इसमें पावर सप्लाई नहीं है, तो हम जहाँ खड़े हैं काफ़ी डेंजर है, कुछ भी हो सकता है इसके उधर गए तो। ठीक है, तो ये जो आप अभी देख रहे हैं फेंसिंग कैमरा में, हमारे नदीम साहब जूम करके जो दिखा रहे हैं, यहाँ से सिर्फ अभी अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने टाइगर की आवाज़ सुनी है काफ़ी करीब। ठीक है, हमारे फोर्स के भी लोग हैं और सभी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है 3 तरफ हो चुका है, एक एरिया ये बाकी है, तो काफ़ी लोगों को शक है कि यहीं पे है, और काफ़ी क्लियर हम सभी ने उसकी आवाज़ अभी सुनी थी। ठीक है, देखते हैं कुछ
दिखाई देता है कि नहीं। रात में भी अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एक साइड का भी ये चलेगा रात को 11 बजे तक, और एक साइड एरिया से हम अभी गुजर चुके हैं और दूसरे साइड में जा रहे हैं, देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। लेकिन ऐसे काफ़ी लोग चारों तरफ हैं, हमारे साथ सिर्फ एक दो लोग हैं जो कि हमारे साथ अभी आ रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए उतना कुछ नहीं है, कुछ टाइप के एक गन है और स्प्रे है जो कि, लेकिन इन लोगों का कहना है जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि उतना ज़्यादा रात में डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, तो इसलिए देखते हैं। लेकिन पूरा नेट का भी इंतज़ाम किया गया कि अगर कोई जंप करता है तो वहाँ के फंस सकता है। से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये यहीं पे कुछ हादसा हुआ, इधर ही हुआ था। ये राइट साइड है ना, वो लेपर्ड को, वो टाइगर है ना, वो मैन ईटिंग टाइगर गाय को मारा था, जो फुटेज पूरे चैनल्स में दिखा रहे हैं। अच्छा, वो गाय को उठा के ले जा रहा ना, वो यही है, यही बिल्कुल यही है, यही है। ये जो हम रास्ता जा रहे हैं, यहाँ रात को आप कोई भी नहीं घूमता, क्योंकि जिस साइड हम जा रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे दो किलिंग्स हो गए हैं। ओके ओके। और ये कहते हैं कि ये रात को वो टाइगर इस रास्ते भी गुजरता है, क्योंकि यही एक कॉरिडोर है वो टाइगर को ये साइड से होली माउंट टेम्पल से उस तरफ जाने के लिए। अच्छा, तो शरियर भाई अभी जो हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, ये सामने का पहाड़ कौन सा है? ये देखो ब्रह्म साहब, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इसके पीछे आउटलाइन अब मालूम नहीं हो रही, सत्यमंगलम घाट से। अच्छा, हमारे बिल्कुल मेरे नाक के सामने है स्वामी। ये है, इसके पीछे है पूरे ब्लू माउंटेन्स, ऊटी, पूरे हम पहाड़ों के बीच में है। और ये एरिया ऑफ ऑपरेशन देखिए, यहाँ यहाँ केस डाले थे, बोन रखे थे, वो मैनेटर को पकड़ने, देख रहे हैं प्लेन्स वहाँ पे, वहाँ रखे थे, कैमोफ्लाज रखे, वहाँ मिला नहीं वो, अभी भी है, अभी ये कट्टा के सर का दिख रहा है वहाँ पे बुश है, केज है वो, एक तीन चार जगह रखे हैं ये, उधर एक उधर ही एक उधर भी एक गैंग को मारा था मैनेटिंग टाइगर, और यहाँ पे छह टाइगर्स ऑपरेट कर रहे हैं इस एरिया में। हाँ, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है शरीफ भाई, ये इस पहाड़ की यहाँ की क्या खासियत है? ये मंगला विलेज के पीछे का पहाड़ है, दिस इज द रेंज ऑफ द टाइगर। इसके पहाड़ के पीछे बिल्कुल मसनगुड़ी ऊटी ऐसे जाते हैं, यहाँ भी आता, तो यहाँ के लोग आप देखिए पहले गाय वाय चढ़ते थे यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है, डर के लोग तीन चार बजे वापस जा रहे हैं। अलवा सलपैदर के इधर जनर गए तो टाइगर इधर के इधर, तो ये एक दहशत का माहौल बना है फरहान साहब यहाँ पे। पहले शरिया में ये मैन ईटर जो टाइगर का पहले हैबिट नहीं था, ये क्यों डेवलप हुआ, इसका रीजन क्या है? ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಇದು ಮೊದಲು ಈ ತರ ಟೈಗರ್ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸರ್ ಟೈಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಡ್, ಪಹಲೆ ಟೈಗರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ ಥಿ ಯಹಾನ್ ಪೆ, ಅಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್, 113-120 ಟೈಗರ್ಸ್, ಯೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ ಓಕೆ ಸರ್ ಟೈಗರ್ ದೇಖಿ ಯೆ ಜೊ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಹೈ ಯೆ ಪೂರಾ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ಅಂದರ್ ನಹೀ ಜಾತಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಂದರ್ ಏಕ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ರಹೇಂಗಾ ಉಸ್ಕೋ ಡರಾ ಕೆ ಯೆ ತಡೀ ಪಾ ರಹೇ ಯೆ ಹೈ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಪೇಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಟಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಕು ಮೊಹಮ್ಮದ್ क्या है कुछ सेफ्टी नहीं है ऐसे ही आप ले रहे हैं और मामूली काम करते ना भैया ठीक है जरा केयरफुल से रहो इंशाल्लाह ठीक है सलाम अलैकुम क्या शरीर कब का क्या लगता है आपको ये कब क्रॉस किया ये मेरे दोस्त कौलसा में के हिसाब से एक दो दिन का है ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मैनीटर है या टाइग्रेस है बोल के काफ़ी बड़ी है टाइग्रेस है
अलवा तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यही था जो कि वो आदमी को मारा था मैन ईटर टाइगर यही है नहीं ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಈ ದೋ ತಿನ್ ಛೇ ಟೈಗರ ಹೇ ಯಾ ಪೇ ತೋ ಕೇ ರೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಾ ಹೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಾ ಹೇ तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि मैनीटर का ही है बोल के मैनीटर का भी हो सकता है क्योंकि इसी विसिनिटी में है तो ये भी ये हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्या ये मेटिंग टाइगर्स हैं एक मेल फीमेल हैं जो है ऑपरेट कर रहे हैं और ये मेल के पग फीमेल के पगमास हैं ये भी हो सकता है या जहाँ पे आदमी को मारा था वहाँ पे कुछ निशान मिले थे उसका कुछ मेजरमेंट है क्या ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೈವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವ್ರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತ ಅವ್ರ ಮಗ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗ ಹೊರಟಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಶಿವಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತಲುಪನ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ ಇವನು ಬಂದಿದ್ಬಿಡ್ದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಏನ್ ಏನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಕುಂಬಳಿಲಿ ಬೇರೆ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಗಂಡ್ ಕಳ್ಕಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೇನ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಇರೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಪೆದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ We need to analyze as to why the animals have strayed. The wild animals have strayed, and from that point of view, if we start thinking and taking precautionary measures, I think it can be avoided. Okay. And as everyone knows, we have the largest population of tigers. I think it is a matter of pride also, but it becomes a matter of concern when people lose their lives. So in this regard, I think the role of the forest department is very, very vital. And already now they are taking steps because the Bandipur Tiger Reserve is a very big reserve. Correct. Very correct. Competent officers are here. Correct. So definitely they are taking measures, and we are hopeful that the tiger will be captured. So the habit what we see in this tiger, what do you think about that? If we gather so many people and all this thing camp, that thing will be visible to us? Yeah, there, see, it is one is there are two things. You should understand the anxiety of the people here. People want us to capture it as quick as possible. Okay. You do whatever after the as per the directions of the officers and all there. Their life definitely is in danger, what I feel. I don't want to ring alarm bells. But people who work in the farm here, very nearby, in the peripheral part of the area, they have seen tigers. And yesterday it has come to our notice that the tiger, the behavior of the tiger itself is in question now. It is roaming as if it roams inside the forest. It is adjusted to human habitation. The same tiger, we had a technical report from us, which I can share with you also. So this is the tiger, in 2018 it was in Nagarahole Antar Santhi range. This one, the same tiger? Yes, the same tiger. I share a report from him. So this
has traversed a distance of around 60 kilometers air distance, and it has settled here. So the camera trap this thing, whatever the information database we have, now it is confirmed that this is the same tiger. But did it have any previous record of attacking people? No, there? Not at all. It was not a nice quiet tiger. It was a quiet tiger until first attack was noticed in 1st of September. What happened here? And that is, we thought that once we may do some disturbance or people are here and we camp here, we make our movements more prominent. Just to see that the tiger takes its flight towards forest and it changes its direction. But that has unfortunately not happened. The incident on 8th was very, very unfortunate, and it happened in the periphery of the forest also. And no amount of our telling would suffice for a common man, unless to a farmer, that you don't go here, you don't go here, and you. So that is bound to happen. As you know, there is also a spurt in the population of the tiger. It's a debatable question whether this area can hold more number of tigers or not. But a common understanding is that nearly we are reaching to a saturation as far as Bandipur, Nagarhole are concerned. Then they have to find some route. They have to change their habitat. They have to find their change their behavior also, as this, as in this case. We don't want to brand any animal that it is a worst animal. Our effort, even today, always, that there was a big controversy of making this tiger as a man-eater and all. There is nothing like that. It has happened. It was an accident, and even our villagers here, they want us to capture it and relocate it as quick as possible. That's the only thing they want. They don't want you to shoot it as a priority. See, that particular day when there was a death and mob fury, you know. Yes. So they keep on telling, wow, what made you to simply were sitting here for 1.5 months, but why your actions are being delayed or intentionally delayed rather. That's what they feel. Some kind of complacency. Complacency is there. So our part was this one. So we would wanted to see that the tiger changes its behavior. It has happened. See, when it has come from Nagarhole and made its home range here, it can also change its home range. That's what our belief is. And cats, you know, they have changed. Another incident, we had a Mulewale tiger coming to But Director sir, tell me one thing. Do you think this could be a territorial infighting between two tigers, a dominant resident tiger, and because this tiger is in the fringes, do you think that is a possibility? It is extremely injured and it is in pain. Nothing. See, whatever the images we have got for the last 2-3 months, those images never spell out any sort of injury, and it is a very healthy animal. Oh, it's a healthy animal. Very healthy animal. And that is more shocking thing is, the other day when that person was killed, the tiger was hiding hardly 30-35 meters away from that body, where 506 odd people were there. And one person went for this nature's call, and suddenly the tiger jumped. He saw nature's fury. Saw the nature's fury. And the way it jumped and went away inside the forest, that itself is a proof enough. But this tiger it just disappeared. Yeah, it just disappeared. Okay. Yeah. That's very fine, sir. We appreciate we are with you. We will support Thank you whatever way we can. Thank you so much. I know the pain of the villagers that have been here, and I also know we appreciate the efforts of the forest department. See, now this is a conflict between conservation and no conservation. So we should now see that the goodwill of these people is very important. We have to make a balance now. Yes, definitely. And that balance should not affect conservation. Sir, one thing here I would like to add is this victim who died, who was unfortunately killed by this man-killing tiger. I think the department has promised him employment. For one member, we have a rule, self-made rule, that one member, because their family has to run, government in turn, 5 lakh compensation is there, and that there is a move to increase it also. I don't know when the government order comes, but we have not received so far. Second is, providing employment means giving them the hope of
tiding over their crisis for a member of the family. We'll be giving them some gate job or some anti-poaching camp job. I just now spoke to the lady, the widow of the victim. She said, sir, I wouldn't like my son to work here because, you know, I have already lost one member of the family. Naturally. There is nothing... See, if we ask our son to come and participate in the capture operation itself, definitely we are doing something. This is traumatized here. Yeah. That would be a correct word. Very nice, sir. Thank you so much, and we are within whatever it is. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you. ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथी हैं, जिसको कि टाइगर के सर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है, ड्रोन का ज़्यादा बुशेज में नहीं एंट्री कराया जा सकता है कैमरा का, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है टाइगर हंट के लिए, टाइगर को सर्च करने के लिए. हाँ, तो शरियर भाई, आज का भी दिन ख़त्म हुआ और इतने 2-3 ड्रोन कैमरा उड़ रहे थे और उसके अलावा 3-4 हाथियों का इस्तेमाल किया गया और कम से कम 50-100 लोग थे, लेकिन आज भी रिजल्ट कुछ हाथ में नहीं आया. नहीं, ऐसे नहीं आएगा रिजल्ट. ये तो सर्कस के सर का कैम्प करे हैं इधर, ऐसा कैसे मिलेगा? आप बात करें ना लोअर स्टाफ के, फॉरेस्ट के, उन्होंने बोल रहे ना ये सर ऐसा कभी भी नहीं मिलता. तो ये पूछने का कोई, ये सब बिल्कुल ही आई थिंक फ्यूटल एक्सरसाइज है. तो इस तरह की चीज़ से ज़्यादा कुछ लगता नहीं अचीवमेंट होगा, और 2-4 दिन ये लोग काम करके फिर ये आप बस अपने आप जाएंगे, खुदा ना करे कुछ और. हाँ, ये टाइगर को पकड़ने के लिए इसके अंदर जानवर रख देते हैं, उसके बाद से वो लालच में आता तो अंदर घुसता, उसके बंद हो जाता है. लेकिन इसकी लंबाई ज़रा देखिए, इसमें क्या हो सकता है. जो टाइगर है वो 5-6 फीट का है, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 फीट. 5 फीट के अंदर, इसके अंदर आप बकरा रखेंगे, जो भी रखेंगे, छोटा सा गाय का बच्चा भी रखते हैं, उसके बाद से आप सोचते हैं टाइगर आएगा अंदर, घुस जाएगा और ट्रैपर खुल जाएगा. पॉसिबल नहीं है. काम भी होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं है कि प्रोफेशनल एक ट्रैपर दिया जाए जिसकी लंबाई बड़ी हो कि टाइगर आसानी से अंदर घुस जाए और उस ट्रैप में आए. इसीलिए लास्ट टाइम मिस हो गया, आया तो और देख के चला गया. तो शरियर भाई, अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का व्यू लिया है, हाँ, नाउ विलेजेस आर हियर, तो इनका व्यू लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं और इनके क्या ಏನಂದ್ರೆ ಮಶೋರೆ ಈಗ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ CCF ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸರ್, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ತಿನ್ನೋದು ಹುಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ತಿನ್ನೋದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಯಿಸೋದು ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಟ್ರಾಂಕ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಮನ್ಸನ್ನು ತಿಂದಿರೋ ಹುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಈಗ ಎರಡೇನ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರು ರೈತರ ತಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿನೇ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು. ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏಟಾಗಲ್ವ? ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರಲ್ವ ಜನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. तो ये लोग बिल्कुल डर में हैं, बिल्कुल खौफ में हैं. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये लोग क्या अभी कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं? ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इन लोगों को सिक्योरिटी किसी तरह होना, जल्द से जल्द टाइगर को पकड़ना, या अगर नहीं हो सके वैसे सरकमस्टेंसेस प्रेजेंट है तो मारना. हमारे नदीम यहाँ के लोकल के प्रोमिनेंट लीडर हैं, इनका भी एक ओपिनियन आप ಜರೂರ್ ಲೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ತಾವೇನಂತೀರಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸರ್? ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ನಾನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಳಿಂಗ್ ಸರ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಲಿ ಅಳುವು ನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅಳುವು ನಂಚಲ್ಲಿರೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲ, ರೈತನೇ ಅಳುವು ನಂಚಲ್ಲಿರೋದು. ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಡ್ತ ಅಲ್ಲ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹೊಡ್ತ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಹೊಡ್ತ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಹೊಡ್ತ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತ? ये है क्या बोल रहे हैं हमारे मंजूर साहब के, इनो जो बोलते हैं रईत, एक तो क्लाइमेट के फैक्टर से लड़ना, मार्केट के फैक्टर से लड़ना, ब्रोकर्स दलाला ही उनके फैक्टर से लड़ना, फिर ये जानवरों से भी लड़ना. सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज होते हैं सो हम, और कितना विक्टिमाइज हो सकते हैं हम? नहीं हो सकता. जल्द से जल्द हम लोगों को इसका क्या है, ये लोग है ना, उसको रिड्रेस करना, सोल्यूशन को करना. नहीं करे तो मुझे क्या डर लग रहा है फरहान साहब, इन लोगों का गुस्सा देखते हुए, और लेजिटिमेट गुस्सा, ऐसा ही गुस्सा नहीं है कि दो लोग एक ही गांव से मरे हैं, वो भी एक आदमी खाने के बाद, एक आदमी को खा लिया वो,
तो ये लोग है ना, मुझे डर है कि ये लोग कानून अपने हाथ में ले लें। मैं, मेरे अपील है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को ये जो भी है करना, ये ऐसे कॉम्प्लेसेंसी नहीं चलती, ये ब्लेम गेम हो गया, ये कोई MLA का काम नहीं है, ये पूरी लोगों का काम है, ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम का काम है कि हमारे लोगों को जल्द से जल्द उनको प्रोटेक्शन देना और टाइगर को पकड़ना। अगर नहीं पकड़ने हुआ, ऐसा सिचुएशन प्रेजेंट हुआ कि उसे मारना है, तो पहले मारना उसको। उसके कंपनसेशन भी वो जो दे रहे हैं, वो लड़के को जिसका बाप को टाइगर मार दिया, वो लोग टेम्प्रेरी जॉब दे रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के द्वारा उसके परमानेंट जॉब देना। और 5 लाख से क्या होता है, उन्हें भी शहीदी है ना, उसकी क्या गलती थी, फॉर्मर था ना वो, पंप वो अपने राइत वो अपनी 3 गायों को लेकर गया और मर गया, उसकी लाइफ की वाली इतनी ही है क्या, वो भी शहीद का उसका मर्तबा है, उसे भी कुछ रिहैबिलिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू अस टाइम, मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं आगे क्या इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।